रहमान रहीम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली अपोस्टल के बारे में, और अपोस्टल जो है वो खत्म हो चुकी है, आप सबके इल्म में है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि वर्किंग डेज जो है 8 जुलाई मीन्स के नेक्स्ट मंडे से जो है वो आपने विदाउट अपॉइंटमेंट जो है वो अपने डॉक्यूमेंट जो है सबमिशन करवानी है। लेकिन यहाँ जो स्नैरियो हुआ है वो ये हुआ है कि कुछ टैक्सेस लग चुके हैं और जो फीस है वो महंगी कर दी गई है। जहां पहले 500 रुपये फीस थी वहां 3500 रुपये फीस कर दी गई है। अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं फैमिली केसेस के बारे में, आपको सबको पता होगा कि क्या तरीकाकार होता है। तरीकाकार कुछ इस तरह का है कि पर डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने 3500 रुपया 3000 से 3500 रुपया जो है वो फीस कर दी है एक डॉक्यूमेंट की। अब जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सबके अलग अलग आपको फीस देनी पड़ेगी। और इसी तरह जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट है उनके भी तकरीबन कहां 3000 थी और कहां अब 12000 पर कर दी गई है। और इसी तरह एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो है उसके भी तकरीबन फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। मेन चीज क्या है, बहुत ज्यादा लोग थे जो टेंशन में थे कि अपॉइंटमेंट का क्या करें क्या करें क्या ना करें। तो उसका सीन ये बना कि अपॉइंटमेंट जो है वो खत्म कर दी गई है। और खुशी की बात यह है कि जो उनके दूसरे सेंटर थे जिसमें इस्लामाबाद के साथ साथ लाहौर और कराची जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है विदाउट अपॉइंटमेंट। आप जाएंगे फर्स्ट टाइम और फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और जैसे आप पहुंच जाएंगे तो आपका काम वो कर देंगे। मेन चीज यही है, जिस तरह हम आम फालन ऑफिस हम कराया करते थे तो आम फालन ऑफिस में ये हुआ करता था कि टोकन लिया जाता था और टोकन के बाद वो आपका सीन जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन करते थे, उसके बाद वो आपको देते थे। तो इसी तरह आपने ऐसा ऐसा जो है वो बाकी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट कर दिया है। दूसरी चीज ये है कि आज बीएलएस जो है वो भी ओपन हुई थी, और बीएलएस ने जो ड्रामा लगाया है वो यही है कि जस्ट वन डे 8 जुलाई की ओपन की थी चारों सेंटर की, और वो भी ओपन की थी जो मजाक किया था इसका अभी तक हमें समझ नहीं आ रही। तकरीबन 5:15 बजे उन्होंने ओपन की थी और विद इन 10 सेकंड उन्होंने क्लोज भी कर दी थी सारे सेंटर्स की। तो ये चीजें जो है ये सिनेरियो चल रहा है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल चल रहा है, और इसके बारे में भी सोच विचार यही चल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। उम्मीद यही की जा सकती है, अच्छी की उम्मीद है, 4 साल से हम अच्छी की उम्मीद की जो है वो रट लगा रहे हैं, और आगे क्या होगा कैसे होगा इसका भी कुछ नहीं कह सकते। लीगलाइजेशन जो है इटली ने वो भी अब एक्सेप्ट नहीं की, बाकी कंट्रीज जो है वो प्रॉपरली जिस तरह डील करते हैं प्रॉपरली वो जिस तरह ले रहे हैं उसी तरह काम कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज यही है कि आपने अब फॉरन ऑफिस जो है विदाउट अपॉइंटमेंट करानी है, और बीएलएस के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए जो अभी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। तो यह आज की अपडेट थी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।